हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हैकर होम। आज हम लोग वैक्यूम चैम्बर में स्मार्टफोन डाल करके और हाई वोल्टेज रख करके एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, तो कृपया इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, चलिए सबसे पहले VCB यानी वैक्यूम सर्किट ब्रेकर एक्सपेरिमेंट करते हैं। इसमें हम लोग वैक्यूम चैम्बर का यूज करके हाई वोल्टेज का सर्किट ब्रेकर बनाएंगे। पिछले वीडियोज में मैंने बहुत सारे हाई वोल्टेज का सर्किट ब्रेकर बनाया था, जैसे CO2 से, सल्फर हेक्साफ्लोराइड से और लिक्विड नाइट्रोजन से और वेजिटेबल ऑयल से, इन सब से मैं सर्किट ब्रेकर बनाया था। लेकिन उन सब में वैक्यूम सर्किट ब्रेकर सबसे अमेजिंग है, तो चलिए इसे सर्किट ब्रेकर बनाते हैं। मैं इसके लिए यूज कर रहा हूँ हाई वोल्टेज जनरेटर, जो 3 वोल्ट से 4 लाख वोल्ट बना देता है। इसको मैं जैसे ही ऑन कर रहा हूँ तो देखिए कैसे स्पार्क निकलने लगेगा। वो ये देख सकते हैं, रुक रुक के स्पार्क कर रहा है। यह स्पार्क कर रहा है, इसका मतलब सर्किट कंप्लीट हो रहा है। हमें किसी तरह से इस स्पार्क को रोकना है। अब मैं इस हाई वोल्टेज को इस वैक्यूम चैम्बर में डाल दे रहा हूं। मैं इसको इसमें रख दिया हूं। इस एक्सपेरिमेंट को आप दोहराने का बिल्कुल भी प्रयास मत कीजिएगा, क्योंकि यह खतरनाक हो सकता है। अब मैं इसको ऑन कर दे रहा हूं। वो इसमें देख सकते हैं स्पार्क होने लगा है। अब इसको मैं बंद कर दे रहा हूं। इसमें से हवा खींचना स्टार्ट हो चुका है। तो फ्रेंड्स, इसमें आप एक चीज देख सकते हैं, अभी यह पूरा तरह से सर्किट कंप्लीट है, क्योंकि इसमें पार्शियली वैक्यूम है, थोड़ा सा इसमें हवा है अभी भी, इसलिए यह अच्छा से सर्किट कंप्लीट हो रहा है। इसी तरह से प्लाज्मा बॉल भी बनाया जाता है, उसमें थोड़ा सा वैक्यूम क्रिएट किया जाता है, ज़्यादा नहीं, ताकि उसमें लाइटनिंग इफेक्ट को हम लोग देख सकें। अब चलिए इसको पूरा वैक्यूम क्रिएट करते हैं और फिर देखते हैं सर्किट ब्रेक हो जा रहा है या नहीं। तो फ्रेंड्स, अब इसमें से पूरा निकल रहा है, तो धीरे धीरे देखते हैं क्या होता है। अब इसमें वैक्यूम क्रिएट हो रहा है और देख सकते हैं सर्किट ब्रेक हो चुका है। जैसे ही वैक्यूम क्रिएट हो गया पूरा तरह से, तो हल्का सा पर्पल कलर का स्पार्क निकल रहा है, लेकिन सर्किट ब्रेक हो चुका है, देख सकते हैं आप नजदीक से। इसमें जो प्लाज्मा निकल रहा है वो वायर पर ही डांस कर रहा है और पूरा तरह से इसका सर्किट ब्रेक हो चुका है, जबकि अब बहुत ही पास में है। चलिए इसमें अब हवा छोड़ते हैं और फिर देखते हैं सर्किट कंप्लीट होने लग रहा है या नहीं। वो देखिए, जैसे ही मैं छोड़ रहा हूँ सर्किट कंप्लीट होने लगा है। अब इसको मैं पूरा हवा भर दे रहा हूँ। वो हवा भर चुका है और सर्किट कंप्लीट होने लगा, और साथ ही साथ इसमें से आवाज भी आने लगा। तो चलिए इस स्मार्टफोन को वैक्यूम में रखते हैं और फिर देखते हैं कॉल लग जा रहा है या नहीं। यहां पर देख सकते हैं, अब इसको मैं बंद कर दे रहा हूं और इसको भी लगा दे रहा हूं। चलिए अब इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें से गैस, अब इसमें से हवा निकलना चालू हो गया है, थोड़े ही देर में वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। अब इसमें वैक्यूम क्रिएट हो गया है, तो चलिए इसमें कॉल लगा करके देखते हैं कॉल लग जा रहा है या नहीं। मैं इसमें कॉल लगा रहा हूं। यस, कॉल लगना चालू हो गया है। मैं स्पीकर भी ऑन कर दे रहा हूं। Yes, देख सकते हैं कॉल लग गया है। अंदर देख सकते हैं इस जार में। तो फ्रेंड्स, देखा आपने, इस वैक्यूम में कॉल लग जा रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम का आवश्यकता नहीं होता है, इसलिए स्पेस में भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल कर जाता है। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को कुछ हद तक रोका जा सकता है मेटल का यूज करके। तो चलिए एक मेटल का जार में रख करके देखते हैं स्मार्टफोन में कॉल लग जा रहा है या नहीं। सेलफोन में भी ट्राई करेंगे। तो चलिए इस स्टील के जार में पहले सेलफोन में कॉल करके देखते हैं कॉल लग जा रहा है या नहीं। मैं इसमें कैमरा भी लगा दे रहा हूं, ताकि हम लोग देखते रहेंगे कॉल कैसे लग रहा है।
यहाँ पर फिक्स हो चुका है। चलिए अब इसको बंद करते हैं और इसमें लगाते हैं कॉल, फिर देखते हैं कॉल लग जा रहा है या नहीं। The number you are calling is out of network coverage area. Please try later. तो फ्रेंड्स, इस स्टील के कंटेनर में सेलफोन में फोन नहीं लग रहा है, आउट ऑफ नेटवर्क कवरेज एरिया बता रहा है। तो चलिए इसमें 3G फोन डाल करके देखते हैं लग जा रहा है कि नहीं। अभी इस फोन में 3G नेटवर्क है, तो फिर देखते हैं कॉल लग जा रहा है या नहीं। तो चलिए अभी इसमें कॉल लगाते हैं और फिर देखते हैं कॉल लग जा रहा है या नहीं। ये मैं कॉल लगा दिया हूं। इस समय कॉल पूरी नहीं की जा सकती है, इसका मतलब 3G नेटवर्क भी इसमें काम नहीं कर रहा है। तो चलिए अब 4G डाल करके देखते हैं क्या होता है। मैं अब इसमें 4G डाल रहा हूं, इसको मैं बहुत ही आराम से बंद कर दे रहा हूं। अब चलिए इसमें कॉल लगाते हैं और फिर देखते हैं 4G में कॉल लग जा रहा है कि नहीं। इस एक्सपेरिमेंट को आप भी घर पर दोहरा सकते हैं, यह बहुत ही आसान है। स्पीकर ऑन। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर नेटवर्क कवरेज क्षेत्र के बाहर है, कृपया कुछ समय पश्चात। इसमें 4G नेटवर्क में भी फोन नहीं लग पा रहा है। तो दोस्तों, जब मैं इस कंटेनर में 2G फोन रख करके कॉल लगाया तो इसमें नेटवर्क था ही नहीं, इसलिए इसमें कॉल नहीं लगा। 3G में भी बिल्कुल वैसा ही हुआ, लेकिन 4G में थोड़ा सा सिग्नल था, लेकिन फिर भी इसमें कॉल नहीं लग पाया। दोस्तों, इन दोनों एक्सपेरिमेंट में आपको कौन सा एक्सपेरिमेंट सबसे ज्यादा अच्छा लगा हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। धन्यवाद।